ये शुवा पिसांद। लगभग 2000 सालों बटी दुनिया में सभी जगहों में ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह यीशु का बारे में शुभ संदेश ते सुनना छन। मंडलियों की उन्नति होनी च ये शुरुआत कह रही कि वो दुनिया का अंत में वापिस आ लो, जबकि अभी तो वो नहीं है, तभी वो अपने वादे ते पूरा कर लो। जबकि हम यीशु का वापिस लौटने को इंतजार कर दा, पिता परमेश्वर हम बटी यही रीति से जीवन जीने की इच्छा कर दो जो पवित्र च और जो वे को आदर कर दो। जब यीशु धरती पर रौंदो छो तब वेल बोली, मेरा चेला दुनिया भर में सभी जगहों का लुक होते पिता परमेश्वर का राज्य का बारे में शुभ संदेश प्रचार कर लो और तब अंत एजाल। बहुत सी जातियों अभी तक यीशु का बारे में नहीं सुनी। स्वर्ग में लौटने से पहली यीशु मसीह बटी उन लोगों ते शुभ संदेश सुनाने को बुल्द जो लो वे थे कभी नहीं सुनी। वेल बोली, आवा और सभी जातियों का लुक होते चेला बना और लवे को फसल पगे। यीशु लो यू भी बोली, कै आदमों को सेवक वे आदिम बटी बड़ू नहीं होंद। ई दुनिया का खास लोग लो मी बटी नफरत कैरी और मेरा कारण वो तुम ते भी सताला और मार डलला। ई दुनिया में तुम दुखी वेल्या पर मजबूत बना, किले की मिल शैतान ते हरेल। जो ई दुनिया पर राज्य कर दु छो जो तुम आखिर तक मेरा विश्वास योग्य बना रह लिया ते पिता परमेश्वर तुम ते बचा। यीशु लपड़ चेलों ते यू समझने को एक कथा सुनाई कि जब दुनिया को अंत होलो तो लोगों का दगड़ी क्या होल। वेल बोली, कै आदिम लपड़ पुंगड़ा मा अच बीज बूती, जब वो सियो छो तो वे को दुश्मन आई और ग्यों का बीजों का बीच मा जंगली पौधों ते बुद्दीन और फिर वो चल गए। जब पौधा अंकुरित वेन तो सेवकों वे आदिम बैठी बोली, हे स्वामी, तिल तो अपना पुंगड़ा मा अच बीज बूत छो तो फिर ये मा जंगली पौधा किले छन। वे आदिमल जवाब दे, बस मेरे दुश्मन ही वे ते बुतुण चालो, यु मेरो कोई दुश्मन च जैल इन कैर। ऊ सेवकों अपना स्वामी ते जवाब दीन, क्या हम ते जंगली डालों ते उखाड़ दियो चाणु च? वे स्वामी बोली, ना, जो तुम इन कर लिया तो तुम कुछ ग्यों ते भी उखाड़ दी लिया। लवे का बग तक इंतजार करा, तब जंगली डालों ते गंठों में इकट्ठा कर दिया कि तुम ऊते फूक दिया, पर ग्यों ते मेरा डोरा मां लेके आवा। चेलो ली कथा को मतलब नहीं समझी, इले ऊल यीशु बटी ऊते समझाने की विनती कर। यीशु बोली, अच्छ बीज बुतुण वाल आदिम मसीह ते जाहिर कर, पुंगड़ा दुनिया ते जाहिर कर दो, अच्छ बीज पिता परमेश्वर का राज्य का लुक होते जाहिर कर। जंगली पौधा वे दुष्ट आदिम शैतान का लुक होते जाहिर कर दो, वे आदिम को दुश्मन शैतान ते जाहिर कर। जैल जंगली पौधों ते बूतेल छो लवे ई दुनिया का अंत ते जाहिर कर और लवे कन वाला पिता परमेश्वर का स्वर्गदूतों ते जाहिर कर। जब दुनिया को अंत हो लो तो स्वर्गदूत ऊ सभी लुक होते एक दगड़ इकट्ठा कर लो जो शैतान का छिन। उस स्वर्गदूत ऊते एक बहुत ही गर्म आग में फेंक दिया लो, उख उ लोग भयंकर सताव मरवाला अर अपना दांत उते पिसला। पर जो लोग धर्मी छिन जो यीशु को अनुसरण कैरी उपी तो परमेश्वर का राज्य में सूरज का जन चमकला। यीशु यू भी बोली कि दुनिया का अंत होने से पहली धरती पर लौट लो, वो उन्हीं वापिस आ लो जन उस स्वर्ग में गए छो, मतलब वे माँ हकीकत माँ एक देह होली और वो आसमान माँ बादलों पर सवार वे के आलो। जब यीशु वापिस आ लो तो हर एक मसीह माँ जो मर गए जूंद हो जाला और वे बटी आसमान माँ मिलला। तब जो मसीह अब भी जूंद छन वो आसमान माँ उठे जाला और ऊ दूसरा मसीहों का दगड़ी मिल जाला जो मोरी के जूंद वे जाला। उस अभी उख यीशु का दगड़ी वाला वे का बाद यीशु अपना लुखू का दगड़ रह लो। जब वो एक दगड़ी रंदन तो ऊमा हमेशा को पूरी शांति वेल। यीशु लोए पर विश्वास कन वाला हरेक आदिम ते एक मुकुट दियोनों को वादा कर, वो हमेशा को पिता परमेश्वर का दगड़ी हरेक चीज पर राज्य करला, ऊमा सिद्ध शांति वेल।
पर पिता परमेश्वर उन सभियों को न्याय कर लो जो यीशु पर विश्वास नहीं कर दिन। उन लोगों ते नरक में डाल दिया लो, उख उरवाला और अपना दांतों ते पिसला और वो हमेशा दुखी होने दी राला। कभी नहीं बुझण वाल आग ऊँ ते लगातार जला ली और कीड़ा ऊँ ते खाण से कभी नहीं रुकला। जब यीशु वापिस आ लो तो वो पूरा ढंग से शैतान ते और वे का राज्य ते नष्ट कर दिया लो। वो शैतान ते नरक में डाल दिया लो, उख शैतान हमेशा को जल्दी रा लो। ऊँ सभियों का दगड़ी जौन पिता परमेश्वर की बातों ते मनन का बदला शैतान का पिछने चलनों को चुनाव कर, किले कि आदम और हवल पिता परमेश्वर की आज्ञा ते निमाण छो और पाप ते ई दुनिया में लेके आ छो। पिता परमेश्वर ऊँ ते श्राप दे और वे ते खत्म करने को फैसला ली नहीं, पर कै दिन पिता परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई धरती की रचना करी जो सिद्ध होल। यीशु और वे का लोग वी नई धरती पर राला और वो हमेशा को सभी चीजों पर राज्य कर लो। वो लोगों की आंखों बेटी हरे कांसों ते पूछ दिया लो। अब कोई भी दुखी नहीं होलो, उरवाला ना, वो बीमार नहीं होला और मुरला भी ना और उख कुछ भी बुरे नहीं वेल। यीशु अपना राज्य पर न्याय का दगड़ी और शांति का दगड़ी राज्य करोल, वो हमेशा को अपना लुखो का दगड़ राल। मत्ती 24 का 14, 28 का 18, यूहन्ना 15 का 20, 16 का 33, प्रकाशित वाक्य 2 का 10, मत्ती 13 का 24 से 30, 36 से 42, पहल थिसलुनिकियों 4 का 5 से 13, 11, याकूब 1 का 2, मत्ती 22 का 13, प्रकाशित वाक्य 20 का 10, 21 का 1 से 22, 21 बटी 1 बाइबल की कथा।